मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा जरूर माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं है। जितने ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा बातें। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इस चैप्टर में एक नया टॉपिक और ऐड हो गया है जिसका नाम है काला पत्थर। काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा हुआ है, जो अपने आप में काफी अनोखा और विचित्र है। विचित्र इसलिए नहीं कि ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है, बल्कि इस पत्थर की स्टोरी ही काफी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। ये पत्थर मुसलमान भाइयों के लिए काफी पवित्र है, लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि जिस पत्थर को देखने और छूने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, उस पत्थर का जिक्र इस्लाम में कहीं भी नहीं है। आज इस वीडियो में बात उसी रहस्यमय पत्थर की होगी, साथ में आपको हज यात्रा से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत रहती है। मुसलमान के लिए जो 5 बातें जरूरी हैं, उसमें हज भी शामिल है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म 5 खंभों पर खड़ा है, और उनमें से एक मजबूत खंभा है मक्का मदीना का हज यात्रा। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना में हज और उमरा के लिए जाते हैं। मक्का में एक ही पवित्र स्थल है काबा। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है। कुछ लोगों के अनुसार ये करीब 400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुसलमान लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह रखते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो। जिधर की तरफ काबा होता है, वो उधर मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच मौजूद है। ये 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर से, काले पत्थर और सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई भी खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर मौजूद है। हज के लिए जाने वाले सभी यात्री तवाफ नामक रस्म को निभाते हुए इस काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसके बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वो प्लेस है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। ये देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू और अल अस्वाद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी ये कहती है कि ये पत्थर खुद अल्लाह ने स्वर्ग से भेजा था, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक धूमकेतु है, यानी कि एक मेट्रोइड है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा भी कहा गया है, जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीसों पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसका महत्व भी बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दाया हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूम कर वो खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए ये परंपरा बन गई है कि हाजी भी जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो इस पत्थर को चूमते हैं। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना असंभव सा हो गया है। इसीलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआ मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है कि पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा, तो उसके निर्माण के आखिरी वक्त में उन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को उस खाली स्थान पर भरने के लिए पत्थर लाने के लिए भेजा, लेकिन काफी समय के बाद जब उन्हें कोई भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जो उस खाली स्थान को भर सके, तो वो खाली हाथ लौट आए। लेकिन आकर उन्होंने देखा कि खाली जगह पर एक काला पत्थर लग चुका है। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने ये पत्थर लगाया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन कहानियों की सच्चाई क्या है।
इस्लामिक विषयों के जानकार लोगों की माने तो ऐसी कोई भी बात सच नहीं है, ये बस लोगों ने घड़ दी गई है। जबकि सच है कि ये काबा की तबाफ यानी कि परिक्रमा करने के लिए एक शुरुआती जगह है। दरअसल काबा काफी बड़े एरिया में बना हुआ है जिसकी 7 परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा के दौरान हाजी इस बात को भूल ना जाए कि उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, इसलिए इस पत्थर को यात्रा का आरंभिक बिंदु बना दिया गया है। काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बन गई कि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा करने आए थे तो उन्होंने इसे चूमा था। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पहले ये पत्थर सफेद हुआ करता था और जब लोग इसे चूमते हैं तो ये उन लोगों के पापों को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए ये पत्थर अब काला हो गया है। काबा कई बार उजड़ा और कई बार फिर से बना, लेकिन पैगंबर मोहम्मद द्वारा बनाए गए काबा का एकमात्र अवशेष ही काला पत्थर ये बचा है। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में ये काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार ही हज की यात्रा की थी। हर साल लगभग कई लोग हज की यात्रा के लिए सऊदी अरब धार्मिक शहर मक्का जमा होते हैं। सऊदी अरब के हिजाज इलाके में मक्का शहर है और ये मक्का क्षेत्र की सल्तनत की राजधानी है। इस शहर की आबादी करीब 20 लाख बताई जाती है, लेकिन पवित्र हज के महीने में यहाँ लोगों की संख्या 3 गुना हो जाती है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री दू अल हिजाज के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर मस्जिद अल हरम और पवित्र इमारत काबा के दर्शन करते हैं। हज के लिए मक्का आने की इजाजत सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही दी जाती है। आमतौर पर ये 13 दिन तक चलता है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से 2 दिन से ज्यादा ठहरना यहाँ पर मुश्किल है। कुछ खबरों के मुताबिक तो यहाँ लगाए गए टेंट का एक रात का किराया ही 2 लाख रुपए है। मक्का और मदीना के बीच कई हाई स्पीड रेल लिंक के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए गए हैं जो कि अपने समय से काफी पीछे चल रहे हैं। हरमैन हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी हो जाने के साथ ही जो सफर लोग बस में पूरा करते थे और यात्रियों को घंटों लग जाते थे, महज 2 घंटे में ही ट्रेन से ये यात्रा सिमट जाएगी। काबा में सबसे रहस्यमय चीज है ये बड़ा सा काला बक्सा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके भीतर चमत्कारी शिवलिंग है। ये वो अफवाह है जो कि रहस्यमय तरीके से हिंदुओं के बीच में बरसों से घूम रही है। भूत के उल्टे पांव तो फिर भी लोग देख सकते हैं, मगर इस दावे को सच आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। आज तक कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं मिला है जो ये सबूत दे सके कि इस काबा के अंदर कोई शिवलिंग मौजूद है। आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है, बस मिली है तो कहानियाँ। कुछ कहानियों की माने तो जब रामायण में लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा की नाक को काटा था तो वो अपने चेहरे को छुपाने लगी थी और अपने सारे भाइयों को धीरे धीरे भगवान श्री राम के हाथों मरता देख वो अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जंगल में जाकर आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की और उनकी तपस्या से उनको प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और शुक्राचार्य जी को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दिया और भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी से कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी कि कोई भगवान विष्णु को मानने वाला यानी कि कोई हिंदू जब कोई हिंदू गंगा जल इस शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो उसी दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस शिवलिंग को शुक्राचार्य जी ने वैष्णव यानी कि हिंदुओं से बचाने के लिए दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और कुछ लोगों का मानना है कि ये वही जगह है जहां पर आज मक्का और मदीना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये सब झूठ है ये तो हम नहीं जानते। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।